साल 2015 चाइना ने एक बड़ा ही बढ़िया वाला गेम खेला था, एक इतना मजेदार गेम कि अमेरिका हिल गया था। साल 2015 में चाइना ने गेम खेला और 2019 में गुस्साए हुए अमेरिका ने एक लेबल दे दिया चाइना को, पर चाइना ने तब तक ताबड़तोड़ कमाई कर ली थी। क्या भारत ने अब चाइना वाला फॉर्मूला लगा दिया है? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आखिरकार भारत ने अपने करेंसी के साथ ऐसा कौन सा खेल किया है? जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान को दे दिया है भारत ने नया वाला टेंशन, और वो भी पानी रोकने की बात आ रही है। 2.5 करोड़ एकड़ जमीन, इसका क्या होगा? पाकिस्तान के माथे पर पसीना ला दिया है भारत ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1960 में ना एक समझौता हुआ 19 सितंबर को। समझौता भारत के इतिहास में सबसे बकवास समझौतों में से एक है, क्योंकि इन समझौतों का नियम वगैरह अगर आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा इसमें तो सीधे सीधे एक पक्ष को सिर्फ फायदा पहुंचाया गया है और दूसरे पक्ष से तो सिर्फ लिया ही गया है। और ये समझौता किसने कराया था? समझौता कराया था वर्ल्ड बैंक ने। हालांकि वर्ल्ड बैंक का काम समझौता कराने का नहीं है, लेकिन वो इस मामले में कूद गया था। हालांकि उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है कैसे वर्ल्ड बैंक कूद गया और एक समझौता साइन हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से चाचा नेहरू थे, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान थे। समझौते के मुताबिक पूर्वी हिस्से की 3 नदियां रावी ब्यास सतलज पर भारत का अधिकार, और इसके बदले में पश्चिमी हिस्से की 3 नदियां सिंधु चेनाब और झेलम के जल को बेरोक टोक पाकिस्तान में बहने देने के लिए भारत ने हामी भर दी। समझौते के मुताबिक भारत पश्चिमी हिस्से के नदियों का जल का भी इस्तेमाल करता है, कर सकता है, लेकिन इस तरह से कि कोई नुकसान पाकिस्तान को न हो। भारत उन नदियों के पानी का घरेलू इस्तेमाल, सिंचाई, बिजली पैदा करने के लिए भी कर सकता है, बशर्ते वो समझौते के मुताबिक हो। वहीं इस समझौते के प्रावधान के अनुसार भारत सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है, 80% उसे पाकिस्तान को देना है। वैसे इस समझौते में और भी कई सारी चीजें हैं, पर यहाँ पर इस समझौते से करीब 2.5 करोड़ एकड़ से ज्यादा सिंचाई पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी से होता है। अब भारत ने क्या किया है? भारत ने एक नोटिस भेज दिया है 30 अगस्त को। इससे पहले भी एक बार नोटिस भेजा गया था, पर उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि दोनों में से किसी के भी तरफ से नहीं, एक निष्पक्ष इंसान बैठेगा यहाँ पर और वो रिपोर्ट देगा और वो समझौता कराएगा। अब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया एक तरफ तो एक आदमी बैठेगा और दूसरा ये मध्यस्थता कोर्ट में भी भेज देते हैं इसको, तो दोनों तरफ से फैसला आएगा। भारत ने कहा कि कोर्ट में हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो बात है पहले जो ये तीसरा पक्ष अपना रिपोर्ट देगा उस पर बात करेंगे। इस बीच 30 अगस्त को एक बार फिर से नोटिस भेज दिया गया है और कहा गया है कि आइए जी, चूंकि समय बदल गया है, जनसंख्या बदल गई है, पर्यावरण के मुद्दे बदल गए हैं, उत्सर्जन के लक्ष्य हैं और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भी बढ़ना है, यानी हमको यहाँ पर पावर ग्रिड बनाना है, पावर प्लांट लगाना है, आओ बैठकर बातचीत करते हैं। अब पुराना समय थोड़ी रह गया, 1960 से अब चीजें बहुत बदल गई है, पर ऐसा माना जा रहा है कि भारत इस समझौते में बहुत कुछ बदल सकता है। अब आने वाले समय में ये वाटर ट्रीटी का खेल भी देखने को मिलेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो चाइना की इकोनॉमी बढ़ी थी ना अचानक से, 10-20 साल में चाइना ने एकदम से परिवर्तन ला दिया और इतना परिवर्तन ला दिया कि चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई। इतना शक्तिशाली बन गया कि इसने अमेरिका को अब चैलेंज करना शुरू कर दिया और अमेरिका अब कहीं ना कहीं इसे हराने के लिए 4 लोगों का साथ ढूंढता है कि 4 देश साथ आ जाएं तब हम इससे भिड़ेंगे। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ है। चाइना ने बहुत दिमाग लगाया और उस दिमाग का एकदम इतना बढ़िया इस्तेमाल किया कि चाइना को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में खूब मदद मिली। हालांकि आज का सीन अलग है, चाइना ने थोड़ी गलती कर दी, सबसे इसने पंगे लेने शुरू कर दिए जिसकी वजह से आज इसकी इकोनॉमी की हालत खराब होती जा रही है। लेकिन 2015 ये वो साल था जिस साल में चाइना ने चौंका दिया था अमेरिका को
और सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सोचते सोचते 2019 में उन्हें समझ में आया कि चाइना ने उनके साथ कितना बड़ा गेम कर दिया। दरअसल 2015 में क्या होता है, लगातार पिछले 20 सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, चाइना की करेंसी भी ठीक थी, व्यापार भी जो नॉर्मल तरीके से चल रहा था, चाइना की करेंसी एक स्टेबल करेंसी थी, ना अप होती थी ना डाउन होती थी, तो इन्वेस्टर्स का भी यकीन उसी तरीके से था कि ठीक है जी, चाइना का सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन 2015 में अचानक से चाइना की करेंसी युआन की वैल्यू 33% तक गिर जाती है, और ये वो समय था जब चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका था, बहुत मजबूत हिस्सा। और जैसे ही इसकी करेंसी गिरती है, इस मौके का फायदा उठाया चाइना ने और जमकर सप्लाई करा, खूब एक्सपोर्ट करा, और इस एक्सपोर्ट से चाइना को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। 2015 में चाइना ने अपने युआन को गिरा दिया और गिराकर अपना फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा घटा दिया, और फॉरेक्स रिजर्व घटाने के साथ साथ उसे अच्छा खासा मुनाफा हो गया। कहा जाता है $4 trillion एक बार उसकी जो फॉरेक्स रिजर्व थी उससे उसने घटाकर 3.1 trillion पर ला दिया था, और उस साल भी उसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। चाइना के प्लान को कब समझा गया, 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए, तब इन्होंने कहा कि चाइना करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने के लिए। तब लोगों को समझ में आने लगा, इसका नाम लेबल पड़ गया कि चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है। मामला इतना बढ़ गया कि WTO तक में पहुंच गया ये मामला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, करेंसी मैनिपुलेट करके फायदा उठाना ये ठीक नहीं है। अब ये सारी चीजें है क्या, अभी देखिए अभी क्या सीन हो रहा है। डॉलर का इंडेक्स इस वक्त घट रहा है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं, माने डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ है। अगर डॉलर कमजोर हुआ है तो दूसरी करेंसी थोड़ी मजबूत होगी, भारत की करेंसी को भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन भारत की करेंसी मजबूत नहीं हुई है। जो पहले कभी $1.75 के बराबर होता था, वो इस वक्त $1.83 के ऊपर है। मतलब ये कि अभी अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि हमारे करेंसी की वैल्यू गिरी हुई है, लेकिन इंपोर्ट करेंगे तो हमें महंगा पड़ेगा थोड़ा। इस लेवल पर इस वक्त भारत की करेंसी है। कहा जा रहा है कि RBI जानबूझकर इसे एक लेवल पर मेंटेन करके है, ताकि एक्सपोर्ट में मुनाफा हो, अगर इंपोर्ट करना पड़े भी तो भारी ना पड़े। दूसरा, भारत में फॉरेन निवेश हो रहा है और डॉलर भारत के पास ज्यादा आ रहा है, पर कहा जा रहा है कि RBI अभी डॉलर खरीद रही है और उसे फॉरेक्स में बढ़ा रही है, ताकि सैन्य साजो सामान के लिए भी भारत अपने फॉरेक्स का इस्तेमाल कर सके। खैर, अब भारत कितना प्रॉफिट कर पाता है इससे, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कई सारी चीजें, ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना के नक्शों कदम पर चलना शुरू कर दिया है भारत ने। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।